नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है यूपीएससी का सिलेबस, कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको भी यूपीएससी का सिलेबस निकालना नहीं आता तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से यूपीएससी का सिलेबस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी यूपीएससी का सिलेबस निकालने के बारे में सीखना है और यूपीएससी का सिलेबस जानना है तो दोस्तों आप भी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले सबसे पहले हम जाते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in। तो upsc.gov.in डाल के हम सर्च कर लेते हैं पहले .in। तो दोस्तों, ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल के आ चुकी है। इसमें दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है यूपीएससी में अबाउट अस का। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मिलता है एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों, आपको एग्जामिनेशन वाले क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे आपको मिल जाता है एक्टिव एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों, आपको एक्टिव एग्जामिनेशन में क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करके लिख के आ रहा है 2022 का। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको जो डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, ये आपके सामने पूरा पीडीएफ खुल के आ जाएगा, कि मतलब इसमें दोस्तों आपको यूपीएससी रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले बात करता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। उसके बाद दोस्तों, मतलब क्या कैसे होना चाहिए, मतलब आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, और उसमें मार्किंग स्कीम कैसे होता है, किसके लिए कितना जो है रिजर्वेशन रखा गया है। तो दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस दोस्तों आपको ये पेज नंबर 28 पे देखने को मिल जाता है। तो पेज नंबर 28 पे हम देख लेते हैं, पेज नंबर 28 देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको सिलेबस जो है देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन लिख के ये सेक्शन 3 कट के आ रहा है। तो दोस्तों, इसमें आप प्रीलिम्स का भी जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का भी सिलेबस देख सकते हैं। पेपर 1 का यहाँ पे आपको गिवन है, और दोस्तों इसी के साथ साथ आप पेपर 2 का भी देख सकते हैं, जिसे आप सीसैट बोलते हैं। तो दोस्तों, ये प्रीलिम्स का पेपर 1 और पेपर 2 का जो है सिलेबस है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, तो दोस्तों यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है आपको सिलेबस गिवन है। तो दोस्तों, मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो क्वालिफाइंग पेपर आपके होते हैं उसके लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है उसके लिए दोस्तों ये सिलेबस आपको गिवन है यहाँ पे। और दोस्तों, जो आप एक इंडियन लैंग्वेज चूज करेंगे उसके लिए जो सिलेबस होगा वो भी आपको यहाँ पे गिवन है, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको जो एसए का पेपर होता है उसका सिलेबस भी आपको गिवन है यहाँ पे, कि क्या सिलेबस होता है एसए के लिए। उसके बाद जीएस पेपर 1 का सिलेबस जो होगा वो आपको यहाँ पे गिवन है, जीएस पेपर 2 का भी गिवन है, इसी तरीके से जीएस पेपर 3 का भी आपको गिवन है, इसी तरीके से जीएस पेपर 4 का भी आपको इसी में गिवन है। एंड दोस्तों, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 और पेपर 2 के होंगे उसका भी सिलेबस आपको इसमें गिवन है। तो दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो ऑप्शनल कई सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कई सब्जेक्ट के ऑप्शनल होते हैं। तो जैसे दोस्तों, एग्रीकल्चर का जो ऑप्शनल होगा उसके लिए जो पेपर 1 होगा उसके लिए क्या सिलेबस है वो यहाँ पर गिवन है, ये देखिए आपको पेपर 1 का सिलेबस एग्रीकल्चर का गिवन है। उसी तरीके से पेपर 2 जो होगा एग्रीकल्चर का ऑप्शनल का उसका भी सिलेबस आपको गिवन है। इसी तरीके से दोस्तों, आपको देखिए हर सब्जेक्ट का यहाँ पे जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और उनके लिए पेपर 1 और पेपर 2 का क्या सिलेबस है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको इसमें देखिए एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसके लिए पेपर 1 का क्या सिलेबस है, इसी तरीके से पेपर 2 का क्या सिलेबस है, ये दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें दोस्तों आपको हर ऑप्शनल सब्जेक्ट का देखने को मिल जाएगा, जैसे मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, PSIR हुआ, हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, साइकोलॉजी हुआ, मतलब दोस्तों आपको सब हर ऑप्शनल का इसमें जो है मिल जाएगा कि क्या सिलेबस है किस ऑप्शनल के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको भी UPSC का सिलेबस निकालने का जो तरीका होता है वो आ गया हो, तो दोस्तों आप भी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।